पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहाँ चढ़ाना चाहिए और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अभी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान आप समझें उसको। चल कर जाने का स्थान गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देव अधिदेव महादेव को समी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं, जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देव अधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार, बाबा को चंदन का लेपन, अभीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, तब शमी की पत्ती को मां जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगत जननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करे। पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा, शमी पत्र, एक बेलपत्र जहां से जलाधारी बहती है उधर, एक बेलपत्र जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और सात शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अभीर सब हो जाए, उसके बाद की बात ही है, उसके बाद की बात। एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर सात शमी पत्र के पत्ते एक एक कर कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर कर नहीं, एक एक कर कर बाबा से विनती करते हुए, कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देगा। सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो। उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है, पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहाँ चढ़ाना चाहिए और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अभी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान आप समझें उसको। चल कर जाने का स्थान गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देव अधिदेव महादेव को समी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं, जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया,
संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अभीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगत जननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करे। पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा, शमी पत्र। एक बेलपत्र जहां से जलाधारी बहती है उधर, एक बेलपत्र जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और सात शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर। केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अभीर सब हो जाए, उसके बाद की बात ही है, उसके बाद की बात। एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर सात शमी पत्र के पत्ते एक एक कर कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर कर नहीं, एक एक कर कर बाबा से विनती करते हुए। कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देगा।